सो हेलो एवन। तो आज फुल टेस्ट देने जा रहा था, बट उससे पहले मुझे एक लाइव मॉक दिख गया, तो मैंने सोचा कि आज लाइव मॉक दे लेते हैं, क्योंकि लाइव मॉक की प्रायरिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है फुल टेस्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें करंट अफेयर थोड़ा सा नए पैटर्न के हिसाब से डालते रहते हैं, जो नए नए क्वेश्चन होते हैं। तो लेकिन ये जो मॉक टेस्ट है ये शायद प्रो वाला है, तो जिनके पास भी प्रो पास होगा तो वही खाली दे सकते हैं। तो इसको देने जा रहे हैं SSC CGL ऑल इंडिया लाइव मेगा मॉक टेस्ट। तो ये 8 जुलाई को ओपन हो, तो मैंने देखा नहीं था, कल भी शायद ओपन ही नहीं होगा ये, तो 10 जुलाई तक है, कल शाम 9 बजे तक। तो इसको देते हैं। एंड दूसरी चीज, मैंने बताया था कि ना मैंने वो मैथ्स के लिए प्री बुक अपनी बनाई थी मैथ्स से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि उसको भी रिवीजन के साथ साथ करते जाएंगे, स्टार्टिंग में दो दो पेज करते हुए। तो वो मैंने PDF अपलोड कर दी है इसमें अपने डेस्कटॉप में, तो यहीं स्टार्ट जब तक तो वो ओपन हो रहा है तब तक की रिवाइज करें, सिर्फ दो पेज रिवाइज करेंगे। ये है मेरी प्री बुक, मतलब जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती थी मुझे उस समय स्टार्टिंग की, एकदम 2021 से मैंने सब स्टार्ट किया था, तब से ये सॉरी 22-21 के लिए सीजल 21 के लिए 2022 में, तब से मैं मतलब जो भी ऐड होता है तब से दो पेज देखेंगे आप। 47 पेज नीचे देख सकते हैं, 47 पेज हैं, तो दो दो करके इसको खत्म कर देंगे। लाइक डिविजिबिलिटी तो पता होगा, 3, 7, 11, 13, 37 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अब तो कम हो गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 7, 11, 13 का मल्टीपल होता है 1001, और इसमें जब ABC का मल्टीप्लाई करते हैं तो ABC आता है। 7, मतलब 3, 7, 13, 37, 11 हटा दो तो आता है 10101, ABABAB के फॉर्म में जब बनती है। 3, 7, 11 को आता है 231, और 3, 7, 13 को आता है 273। 13 और 11 का डिफरेंस 11 है, तो एक वाला बोलना है 231, 13 है तो 273। 101 में ABAB आता है, 37, 111, ये टर्म बहुत जरूरी पड़ जाता है, 111 का मल्टीपल 37, 111 है। और ये ट्रिपलेट्स हैं कुछ, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 5, 12, 13 पता रहता है, 10, 24, 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7, 24, 25 है, 14, 48, 50 इसका दुगना ही है, 8, 15, 17 बहुत यूज़ होता है, 9, 40, 41, 20, 21, खास तौर से इसमें लगातार नंबर आते हैं ना, ये बहुत यूज़ होते हैं, जैसे कि 40, 41, 20, 21, ये ले बहुत यूज़ होते हैं, 12, 13, 5, 12, 13 तो होता ही है। ये कुछ मेंसुरेशन वाले मैंने निकाले थे, एक तो 12, 35, 37 होता है, इसी से बना है 3 गुना, मतलब 12, 33, 36, 35, 105, 37, 111। 105 एक ऐसा है जो मतलब कि एक पर मतलब एज अ परपेंडिकुलर बेस में से होगा, और 105 ज़्यादा हाइपोटेनस भी होगा, तो एक ये भी है। तो ये मेंसुरेशन में थोड़े से कम याद होते हैं, 48, 35 बहुत ही रेयर यूज़ होते हैं ये वाले, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिगो में फॉर्मूला A+B = 90, 2 मिनट हो गए, 5 मिनट लूंगा बस। ये फॉर्मूले बेसिक बेसिक वाले आप देख लीजिए, sin²+sin²b = 1 होता है, sin SecB = 1, cos A cos SecB = 1 जब A+B 90 दिया हो तब। कोसाइन रूल एक होता है, कोसाइन रूल्स में से ये है प्रॉपर कोसाइन रूल, B²+C²-A²/2BC, जब कॉस ए की बात करेंगे तो बी और सी चलेंगे पॉजिटिव में, ए और निगेटिव में, ऐसे होता है जनरल। मेंसुरेशन से रिलेटेड फॉर्मूला, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया √3/4 side² √3/2 हाइट इंटू ए साइड करेंगे तो हाइट आ जाएगा। ये है आइसोसेलस ट्रायंगल का, height² = B² ऐसा यूज़ नहीं करते हैं, 90 डिग्री निकाल के जल्दी हो जाता है, मैं ऐसे नहीं यूज़ करता हूँ, डायरेक्टली यूज़ करता हूँ, डायरेक्टली एरिया निकालने का है बट यूज़ कम कर पाता हूँ मैं इसका। इसका होता है BD into AC, इसको AC इधर दे जाओ, मैं इधर लेता हूँ, BD into AC = AB into BC, ये होता है। इन सर्किल में इन रेडियस का है, इन रेडियस अंदर है तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, एंड अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है तो साइड अपॉन 2√3, अगर 2 हटा देंगे तो सर्किम रेडियस आ जाएगी, एंड अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो P+B - H/2। सर्कम सर्कल की अगर बात करें, यानी कि सर्कम रेडियस की अगर बात करें, तो R = ABC/4 delta, ये कॉमन है किसी भी ट्रायंगल के लिए, ये था एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर ABC/4 delta, और इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए बस 2 हटा दिया, साइड अपॉन √3। इसको डाउट होता है ना, तो 2√3 बड़ा नंबर है, मतलब अपॉन में अगर करेंगे तो ये नंबर छोटा देगा, तो छोटी रेडियस देगा, और 90 डिग्री में R = H/2 होता है सर्कम रेडियस। पैरेलल रेडियस वाले ये तो कॉमन ऐसे सारे होते हैं, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, ये पैरेलल हो जाती है ना, M/N में बांटता है रेशियो, एरिया होता है M+N² M+N पूरा रेडियस बन जाए, मतलब पूरी जो साइड होगी वो M+N होगी, उसका होल स्क्वायर कंपेयर करेंगे छोटे वाले ट्रायंगल के साथ अपॉन में M² देन अगर बोलते हैं इस DEBC का निकालना है ट्रेपेजियम, तो इसको इससे माइनस करके निकालते हैं तब आता है। और ये जब मिड पॉइंट दिया जाता है तो सारे पॉइंट्स अलग अलग हो जाते हैं, ये लिखे हुए हैं फॉर्मूले पर, बस नज़र मार लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं, वो 5 मिनट ले लिए प्रॉपर आ गया, मिनिमाइज हो गया भाई। एक पॉज लेते हैं, स्टार्ट ही नहीं अभी तक। ओके, तो प्रेफरेंस है इंग्लिश, SSC CGL ऑल इंडिया लाइव मेगा मॉक टेस्ट, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं।
12 का स्क्वायर 17, 28, 28 में कितना जोड़ा गया है, 8, 6, 14, 60, 36, 3, 2, 5, 36 जोड़ा गया है, 512 और 8, 3, 24 जोड़ा गया है, नहीं, कितना जोड़ा गया है 512 में 16, तो ये 17, 28 ही होता है, 36 क्यों जोड़ दिया, 12, 3, 36, 8, 2, 9, 16, 16 का स्क्वायर 40, 96, मतलब क्यूब, 40, 96 में कितना जोड़े लेकिन, 8, 2, 9, 16, 12, 2, 9, 24, 24 होना चाहिए था यार, यहाँ अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ, 4, 3, 12, 3 से मल्टीप्लाई 4, 2, 9, 8, 2 से मल्टीप्लाई 4, 4, 16, यानी कि 16, 4, 64 जोड़ दें, 10, 9, 6, 15 और 1, 16, 4, 1, 6, 0, यही निकल रहा दूसरी चीज, चेज मुझे इसमें दिख भी रहा है, चेज सारे लेटर वही हैं, मॉड्यूल सबसे लास्ट लेटर सबसे पहले आया, सबसे लास्ट लेटर सबसे पहले आया, यानी कि आर सबसे पहले आएगा, देन ये लेटर सबसे आखिरी में चला गया, ठीक है, एस सबसे आखिरी में जाएगा, ऐसा एक ही ऑप्शन है पहला वाला, बट फिर भी कंफर्मेशन एल हटा दो, एल सब में सेम है, डी आई ई को देख लेते हैं, ए यहाँ था, ए आर आई ने पलट लिया बीच वाले, यानी कि यू डी हो गया, यानी कि डी आई हो जाएगा, ठीक है यही है, ये बाद में, कोड का कोड तो सेम लग रहा है, ये मेक मेक भी ठीक सेम वैसे ही है, हेड भी ऐसे ही आएगा, यानी कि थर्ड लेटर सबसे पहले आया, थर्ड लेटर सबसे पहले आया, थर्ड लेटर सबसे पहले आ गया, देन पहला लेटर सेकंड नंबर पे है, पहला लेटर सेकंड नंबर पे है, सेकंड लेटर लास्ट नंबर पे, यानी कि लास्ट वाला थर्ड नंबर पे है, लास्ट वाला थर्ड नंबर पे है, यानी कि डी और ई, ए एच डी ई, ए एच डी ई, इसका अपोजिट बताना है, 16 का अपोजिट बताना है, 16 का 11 और 14 यहाँ, 11 और 14 यहाँ, नहीं 16 का अपोजिट 15 हो गया सीधे सीधे, 10, 21, 35, 56, 10 और 21 के बीच का गैप है 11, 21 और 35 के बीच का गैप है 14, 35 और 56 के बीच का गैप है 21, 56 और 90 के बीच का गैप है 34, एंड इसके बाद कितना है, 9, 6, 15, 9, 5, 14, 55, देन 6, 11 में से 5 किया 6, 22 में से 4 किया 86, और फिर डबल डबल होता जा रहा है ऐसा लग रहा है, और ये कितने का गैप है, 10 में से 1 गया 9, 5 में से 3 जाएगा 2, 129, ये 3 का गैप है, 7 का गैप है, 13, 21, गड़बड़ है, 4, 3, 7, 7, 6, 13, 8 बंद हो रहा है, ये कितने का है, 10, ठीक है, ये कितने का है, 3, 43, 12 का गैप है, 12 के बाद 14 का गैप आएगा, यानी कि 4, 3, 7, 57, 57 इसमें जोड़ दूँ, तो 9, 7, 16, 12, 5, 17 और 1, 18, 186, 186 लास्ट नंबर में जोड़ना है, 360, 186, 6, 8, 6, 14, 3, 1, 4, 5, 5, 4, 6, अंधी किया मतलब कि बस गैप 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 लेता चला गया हूँ, जब बड़ा नंबर दिख रहा था तो ऐसी बड़ी सीरीज दिख रही थी ना, 6 सब में कॉमन है, वाई वाई को एलिमिनेट करना है, वाई ऐसा तो दिखेगा नहीं, ऐसा दिखेगा, तो ये दोनों बचे हैं, 3 सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लास्ट वाला वाई देखना है, लास्ट वाला वाई ऐसा तो नहीं दिखेगा, उल्टा दिखेगा, तो ये अलग है, एफ आई एल ओ, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, आ रही है, मतलब एक ही ऑप्शन है ऐसा, आर डी जी, यानी कि 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 3, 16, आर पी टी आएगा, आखिर भी देखना है, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 3, 17, 3, 20, 5 मिनट बचे हैं यार भैया, धीमा चल रहा, पॉइंटिंग टू अ मैन, राधिका सेड, हिज सन्स मदर, मतलब मैन के ऊपर, मैन का बेटा, हिज सन्स मदर इज द सिस्टर ऑफ माय सन्स सिस्टर, राधिका की माय सन्स सिस्टर है ये, हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू राधिका, ये पर्सन इससे कैसे, नहीं नहीं पर्सन तो ये था ना, दामाद, सन इन लॉ, 752, 749 और 3, 864 और 3, 416 और 3, 636 और 3, सेम वे बताना, 343 और 3, 512 प्लस 3, ये एलिमिनेट हो चुका यहाँ से, 64 होना चाहिए तो ये भी नहीं है, 216 प्लस 2,
216+1 है. What is the number of families who have visited at least two of the places out of Srinagar, Shimla? Two, दो places घूमी है. 7, 5, 12, 12 और 22. तो 4, 34. ये ले आएंगे ना, ये 7, 22 और 5. Which at least था. At least two places, यानी कि तीनों places भी घूम सकता है, यानी कि 15 भी जुड़ेगा. 5, 4, 9, 49. अच्छा कि देख लिया. Which utensil skill? पेटनी, बर्तन, हसुआ. भाई लाइट क्या हो गया, अच्छा चार्ज करना भूल गया. तो पेटनी, हसुआ, बर्तन तो दोनों ही लग रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो ये लगा रहा हूँ. ऑल फैंस आर हीटर, सम कूलर्स आर फैंस. सम कूलर है, कूलर ऐसे बनेगा. ऑल प्योरीफायर्स आर कूलर. ऑल प्योरीफायर, प्योरीफायर ये बनाया है मैंने अंदर. All purifiers are heaters, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. Some purifiers are heater, ये भी हो भी सकते हैं, नहीं. Some अगर यहाँ होता तो ना तो काटता. Purifiers पूरी तरीके से भी कूलर के अंदर है. Some heaters are coolers, बिल्कुल सही बात है. All coolers are heater, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. थर्ड वाला केवल. 18, 29, 42. अरे दूसरा देख लेंगे, ये वाला बाद में. Easy से पकड़ते हैं. HOV HIY 9. आठ, सात, पंद्रह. एक सेकेंड, दिख तो रहा है. 8, 7, 15, 15, 7, 22. 22, 7, 2, 29. सी 29 होता है, यानी कि चला गया 3 पे 7, 3, 10. जे आ गया, ठीक है. डी, डी वी एन, काफी दूर दूर है भाई. एस आई वाई ओ, माइनस किया गया है. 15, 15 में कितना जोड़े वाई है, 10. 25 और 10, नहीं ये नहीं है, बाद में देखेंगे. ओके, काफ़ी कठिन है ये भी, पहले इजी से पकड़ लेते हैं. ये स्क्वायर जैसा शेप में दिखेगा, ऐसे नहीं दिखे, ऐसे दिखेगा. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है. तो डब्बे बीच में आने चाहिए, ये वाला आएगा यूनिफॉर्म में. प्रोफेशन में एन पहले आएगा, ओ आ गया, ओ के पहले आई दिख रहा है, तो आई वाला ले लेंगे बस. तीन ही देख के ख़त्म, पूरा नहीं चेक करना है. पी तो आएगा ही नहीं, एलिमिनेट हो गए. प्राइवेट पी का के नहीं, बाद में. 2 मिनट हैं अभी. 22, 5, 6, 110, 17. मॉडिस्टी डिस्पेयर से घृणा है, हिंदी में करेगा. अहंकार का उल्टा होता है विनम्रता, निराशा का उल्टा होता है आशा. अब यहाँ पे हिंदी में करके हो रहा, तो मैं हिंदी में भी जल्दी करूँगा ना. 12 का स्क्वायर दिख रहा है 144 में, एक कम. 15 किसी का स्क्वायर है, कोई स्क्वायर नहीं है. 12 गुणा का 14 कर दें तो 14 दुनिया 28, तब भी नहीं आएगा. 14 दुनिया 28, 14 गुणा 14, अरे 16, 143. 5, 25 का गैप है फिर भी. इन दोनों का सम है 26, में एक कम जोड़ दिया गया. 160, 15, 13, ये भी नहीं आएगा. 18, 36, 6 लगा 3, 18, 18, 18, 3, 21. 216 216 में 18 और 12, 30 होता है. 30 में एक कम 29 जोड़ें, वो भी नहीं आएगा. 9, 6, 15, 2, 3, 4, 5. काफ़ी क्लोज था यार. बारह सत्तर 84, 84 लगा 1. 12 गुना 12, 12 और 8, 20. यार यही वाला काफ़ी क्लोज था. 50 मिनट तो हो ही गए, मैं तो सारे क्वेश्चन नहीं देख पाए. 5 हटा दो, 4 और 2 देखें. पी एन, 4 पहले आएगा, इंग्लिश डिक्शनरी सेम ऑर्डर लगाना. तो पी एन पहले दिखेगा, 3 से भी पहले. 4 हट गया 2 हट गया, 1 और 3 देखना है बस. पी यू बी के बाद ई आएगा पहले, तो 3 पहले आएगा. द एवरेज एज ऑफ 17% इज 39, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9% इज 35, इफ द एवरेज ऑफ द 9%. ये क्या नौटंकी है भाई, यहाँ पे वाला क्वेश्चन क्यों दे दिया. 17 लोग मैथ तो क्वेश्चन दे दिए, 9 लोगों की 35 है, 9 लोगों की 44 है. तो ये कितने का गैप है, -4 और ये प्लस का 5. 9, 5, 14 है ना. हाँ ऐसे इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, छोड़ो, कॉमन तो 9 रहेगा ही रहेगा. प्लस माइनस प्लस का 1, 9 इकन्नम 9, तो 9, 9, 18, 48. इसमें 9 जुड़ जाएगा ना, प्लस का आया है.
प्लस में 9 कर देंगे तो 48 आंसर होगा। अब मैं एक बार देख लूँगा, 49 मिनट बचे तो जीके में जाते, कितने कर लें बस ये देख रहा हूँ। 17 ही कैप पे चलता है मेरा आजकल। विच ऑफ द फॉलोइंग करंट इज नॉट अ कोल्ड करंट, सर मैं ये भूल जाता हूँ, सर याद कराते हैं फिर भी अलग भूल जाता है, याद करना पड़ेगा। अंडर द विच आर्टिकल पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट फॉर गिविंग इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। स्टेट लिस्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेयरेस्ट एलिमेंट, यूरेनियम, रेयरेस्ट तो यूरेनियम ही जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डिक्लेयर विनर 2023 सशस्त्र रामानुजन प्राइज, यूंगिंग, तैंग, वेंग, वेंसन, शाई एवरा, विल्सन। ऐसा ही नाम सुना है शायद, कुछ ऐसा ही थोड़ा सा वैसा नाम है रामानुजन प्राइज में, बट ये कुछ सशस्त्र नाम शास्त्र है, अंधी लगाया जा रहा है, सब अंधी चला है। द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बहामनी सल्तनत एंड इट्स फर्स्ट कैपिटल वॉज रिस्पेक्टिवली बरार थी आई थिंक 1336, बरार, बीदर, बरार, गुलबर्ग, बीजापुर 1336 के टाइम पे आए थे, उन्हीं के साथ में विजयनगर के साथ, विजयनगर के ही कंटेम्परेरी तो थे, अभी सर ने पढ़ाया है बट एग्जैक्ट बहामनी पर सर ने पढ़ाया नहीं पूरा प्रॉपर। नेम द बुक रिटन बाय महात्मा गांधी, हमने सुना होता, सजेस्ट द ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड इफ इंडियन डिडंट कोऑपरेट विद देम, हिंद स्वराज, तभी लिखी थी इन्होंने। सारे मार्क हो रहे हैं। स्केड्यूल द कमीशन डिटेल्स द नेम ऑफ द स्टेट एंड टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, टेरिटरी की बात हो रही है तो फर्स्ट वाला आएगा। चलो पहला तो क्वेश्चन मैं लगाऊं, आज ही छठवें लेक्चर में स्केड्यूल के बारे में पढ़ाया सर ने। Years of old PM, which among the following also known as Hansen's disease HD is a long term bacterial infection in humans, Hansen, which Chola ruler was popularly called Victor of the Ganges, Gangaikonda Cholapuram, Rajendra Chola I think, which of the following metals are were known to Harappan, copper तो था, bronze भी था, A and B तो है, gold, iron नहीं था, लोहा था। What makes the sky look blue? Blue color नहीं, wavelength is longer, shorter होती है, the wavelength is low, blue color scattering easily. Which of the following pair of writers and books in ancient correct wrongly match है? ऋचिकेतकम, शुद्रेखा, रघुवंशम, कालिदास, ठीक है, बुद्धचरित, अश्वघोष, कादंबरी, कादंबरी हर्षवर्धन की। कादंबरी किसने बताई, रत्नावली, कादंबरी हर्षवर्धन की है, रघुवंशम विभिन्न की है, बुद्धचरित अश्वघोष, डॉक्टर रमेशकेतकम, शुद्रखा, रमेशकेतकम, शुद्रखा, सारों नाम पढ़े हैं। ऐसे ही जब क्वेश्चन सामने आता ना तब डाउट ऐसा क्रिएट करता ना एकदम, क्या होता है। वल्लभ लेट द प्रेजेंट मूवमेंट अगेंस्ट एनहेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू 1928 बारदोली का सत्याग्रह जो हुआ था। कोट्टापुरम टू कोल्लम स्ट्रेच इज कनेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज, फोर्थ लगा रहा हूँ अंधी क्योंकि अभी हाल ही में कोई क्वेश्चन दिखा था ना 1, 2, 3 में ये नाम नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेट तारपा फेस्टिवल, ये सर विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टप्पा फोक म्यूजिक रिलेटेड टू, अरे यार क्या पूछते रहते हैं, फिर भी मैं हिमाचल प्रदेश लगा रहा हूँ, टप्पू टप्पा ऐसे नाम होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, एनसीएससी है, सारे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी में डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, जी को एन बनाना, ग्रॉस को नेट बनाना, तो डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011,
382 स्क्वायर पर किलोमीटर, ये तो इतने परसेंट से मैंने रिवाइज किया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डिड होल्ट मैकेंजी डेवलप फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू इन इंडिया। मैंने यही वाला लेक्चर छोड़ दिया था यार। मैकेंजी महतवाली सिस्टम, तीन जगह सिस्टम आए थे ना सबने, अभी तीसरे लेक्चर का पार्ट है। व्हाट इज द, शायद हाँ तीसरे का ही है। व्हाट इज द मेथड ऑफ टैक्सिंग वेयर इन देयर इज एन इंक्रीज इन द टैक्स रेट एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीजेस। द मेथड ऑफ टैक्सिंग वेयर इन द देयर इज एन इंक्रीज इन द टैक्स रेट एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीजेस। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव तो अंत होता है, एग्रेसिव जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, एग्रेसिव होना चाहिए। मार्क देख रहे हैं आप, ये सब अंधी मतलब डाउट वाले मेरे लिए। हु इज सेट टू द टेक ओवर चेयरमैन बीएससी 2024 फॉलोइंग अप्रूवल द सिक्योरिटी सेबी एसएस मुंडे प्रमोद अग्रवाल रवि विश्वनाथन अजय मेहता। बीएससी के चेयरमैन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा, मनी बिल कहाँ है। विच अमंग द फॉलोइंग फोर वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चाय। आज जिसने क्लास ली होगी उसके लिए तो वैसे तो ये पता भी था, बट जिसने आज ऋग्वेद के बारे में था ना अथर्ववेद लेक्चर सिक्स में, ये भैया कौन सा डांस है। कस्टमरी डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली फॉर 28-29 डेट ऑफ 10th मंथ अकॉर्डिंग टू तिब्बतन कैलेंडर। तिब्बत वर्ड लगा दिया, इस वजह से सिक्किम के साथ जा रहा हूँ। अंधी अगर देखें तो मतलब सही कितने लगा रहा हूँ, 1, 2, 4, 4, 8 आठ क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होंगे, बाकी देखा जाएगा। तो इसलिए अंधी लेनी चाहिए, बाकी 20 किए हैं, 8 मेरे अकॉर्डिंग सही है, 12 अंधी लगा रहा हूँ। 11 मार्क हैं, 11 क्यों मार्क हैं, 3, 2, 5 नहीं किए हैं, 4, 4, 8 छोड़ो इतना टाइम लगाना अभी। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग एक्सपेंसिव। Only one of these books belongs to the school library. Belongs, आएगा belongs. Only one of these books, क्योंकि one book की बात हो रही है तो belongs लगेगा ना singular वाली. These के साथ तो plural ही आएगा, these books belongs to. Fear of riding in a car. कैको तो साउंड से रिलेटेड है, जीनो जीन से रिलेटेड चली जाएगी, बचे ये तो एस्ट्रो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, तो मैं एमएक्सो लगा रहा हूँ। अरे इनकरेक्टली ऐसी स्पेलिंग दोगे तो मैं कहाँ बताऊँगा। कॉन्कॉमिटेंट कॉम्प्लेसेंट पॉलिसिंधा, ये तो मैं छोड़ने वाला हूँ, स्पेलिंग में दिक्कत हो जाती है मुझे। सोल राइट टू, ऐसी बड़ी बड़ी आ जाए प्लस सेम साउंड कर रही हैं। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन। इनहेरिटेंस कॉपीराइट, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, पेटेंट करा लेना अपना खुद का। एवरीथिंग हैज बिकेम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, क्या बताना है। एरर, Everything has plural ही रहेगा, became has के साथ verb की थर्ड फॉर्म आती है तो become, became, become. If your actions are contrary with what you say, no one is going to believe you. Contrary. If your actions are contrary with someone. One evening he lit a large lamp in the bedroom and sat near his wife. RS, RS. Shall I read you something? He asked. What shall I read? He continued. Whatever you like. S ke baad to Q aayega 100%. S ke baad Q. S ke baad Q do jagah hai. But S se start nahi hoga. To ye wala hone ke chances. Shall I read you something? He asked. Why not? What was the answer? What shall I read? He continued. Whatever you like. He was someone not like that. जक्स्टापोज़ होता है, जक्स्टापोज़। अब जुक्स्टापोज़ होता है कि जे ए होता है, आई थिंक जे क्यू यू ही होता है जक्स्टापोज़। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, विलेंट यू, वॉन्ट यू। Will not you, ये तो पास्ट वाला हो जाता है। आई थिंक वॉन्ट यू, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, विल नॉट यू। 40 मिनट बचे, 5 मिनट है इंग्लिश के लिए मेरे पास। माई फ्रेंड सेट टू मी, फॉर मी रनिंग इज लाइक थेरेपी। माई फ्रेंड टोल्ड मी, आखिरी हट गया।
दैट दिस या लड़के दो बच्चे दैट फॉर हर रनिंग हर हैविंग हर रनिंग वॉज लाइक थेरेपी फाइंडिंग द कॉमेडी रूटीन एक्सट्रीमली फनी द फैमिली लाफ क्रेजी अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द क्राउड आकाश मैंने लास्ट चलो अभी लास्ट चलो ओपन हुआ है आज 9 तारीख आज ओपन होना था सेम सेंटेंस में कॉपी पेस्ट मारा है यही सेम ऑप्शन थे मैंने तब भी क्रेजी लगाया था फिर क्रेजी लगा रहा हूँ ये गोफी वैसे ये भी शायद हो सकता है वो क्योंकि इसका इसका भी रिलेटेड कुछ ऐसा ही होता है शी नीड्स टू क्लीन द फ्लोर राइट नाउ नीड्स है ऐसे करना है तो इज नीड आएगा इज नीड इज नीडेड ये रहा राइट नाउ क्लीनिंग ऑफ द क्लीनिंग क्यों कर दिया द फ्लोर needs to be cleaned by her right now cleaning of the floor right now cleaning of the floor no no the carpenters will take a month will take will be taken a month's time will be taken by the carpenters fickle fickle matlab to thoda sa kamzor opposite firm firm hai drad hai ekdam repulsive yielding give it whirl to be engaged in cheating to completely destroy something attach or criticize something to give it a whirl to try out something try karne se pehle laga raha hu qssss a lie is when you say something happened which didn't happen but there is only ever one thing which happened at a particular time and a particular place and there are an infinite number of things which didn't happen at that time and that place and if I think about something which didn't happen I start thinking about all the other things which didn't happen yahi hona chahiye kyunki that place ki jo baat hui hai na isse pehle r mein q mein baat hui hai to s q r p acha tha वैसे lies when you say something happened which didn't happen but there is only ever one thing which happened at a particular time and a particular place and there are an infinite number of things which didn't happen at that time and that place and if I think about something yeah down kuch na kuch ho jayega accurately correctly promptly partially correctly the commander ordered direct sentence banana hai said to the soldiers please to bilkul nahi aayega climb the hill start climbing the hill go to matlab hi nahi hai no one informed me that you would be absent तो पास्ट टेंट है इन्फॉर्म पे लगाया है नो वन के साथ तो सिंगल नो वन इन्फॉर्म्ड नहीं होना चाहिए था एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड अ थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल द कॉज ऑफ पॉल्यूशन आर क्वाइट द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन आर क्वाइट इनफ सच एज क्वाइट न्यूमरस सच एज कंटेमिनेशन E adverb adjective white such as contamination of water cutting of trees and forest accumulation of toxic gases etc the causes of pollution are quite enough quite enough this due to these factor those factor due to these turan ki baat ho rahi hai na due to these factors the flora and fauna are adversely affected and awareness to protect the environment is everybody's moral duty and we should collectively come forward for the noble campaign government is taking strong actions strong programs to check the menace of pollution attempts Majors enticement. At this minute, कुछ सेकेंड्स बाकी हैं 12 14 किया था 4 2 6 26 तब भी नहीं आया था ये तो इसमें टाइम लगाए पहले मैप देख लेते हैं अ प्रोडक्ट हूज एम आर पी इज दिस सोल्ड इतना बाय होल सेल शॉप व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय हिम तो 978 आठ में से पाँच गया यहीं पे मैं घटा रहा हूँ आठ में से पाँच गया तीन सात में से दो गया पाँच 53 रुपीस कितने में से 978 नंबर कट जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कटना तो चाहिए आई थिंक 53 इकन्नम 53 जा रहा है सात में से तीन गया चार नौ में से चार गया चार 540
आठ त्रिक 24, 8×40 नहीं कट रहा यार, छोड़ो डायरेक्टली करता हूँ। 978 है ना, तो 6×9=54, 6 से कम जाएगा, 5 बार जाएगा। 5×40, 5×7=35, 5×4=39, 9×5=45, 45×49=48, 5 बार तो जाएगा ही जाएगा, तो यही ऑप्शन है। बिना एक्सपेंडिचर 300% मोर देन हर सेविंग, 300% मोर देन, 100, 400 ये एक्सपेंस है, ये सेविंग है। इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 30% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 20%, इन व्हाट परसेंट डज हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। वैसे तो इसको वैसे ही कर देता, 4:1 है, एंड ये सेविंग बढ़ी है 20 से, ये बढ़ी है 30 से, हमको ये बताना है। ये 10 का गैप है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, डिवाइड कर देंगे चार में और 30 में जोड़ देंगे, तो 4×2=8, 4×7=28, 4×5=20, 32.75। हाँ और चार ही ठीक है, 30% इंक्रीज करी है, ये 20% इंक्रीज करी है, 10 का गैप, 1 का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10, ऐसे कर लेता हूँ सर, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, समझ नहीं पा रहा हूँ। 30% इंक्रीज किया तो 150 रुपये बढ़ गए, 650 इज इक्वल टू 20%, इसको इंक्रीज करना है यानी कि 120 हो गया, तो ये कितना बच रहा है, 30, 150, 5, 650, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 130 बटे 4, 4×3=12, 10, 4×2=8, 4×5=20, अरे पहले भी आ गया था यार, 2.5 आ रहा था, मैं क्या डेस्ट को 2.75 लिख दिया था, तो दिमाग कब क्या काम करे, ये बाद में करेंगे, ये भी बाद में बड़े बड़े भी करें। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज 36, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द टाइम इज थीटा, सच दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा है, सेक थीटा बोले तो 13/12, ये 5 हो गया। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, 12×3=36, 5×3=15, द लेंथ, किसी ने बोला था कि मैथ के समय थोड़ा सा तेज बोला गया, फॉर्मूला यूज करो, मतलब आवाज का थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मैं तेजी बोल रहा हूँ। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 times ऑफ इट्स ब्रेथ, ओके 5 times है लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई। इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, एक्स अपने आप इसमें इमेजिन कर लिया है, तो 5×x² = 3125, x² = 5×30, 5×10, 5×25, 25 आ गया, एंड लेंथ पूछा है तो 25×5=125। A fruit seller had some apples. He says 30% of the apples and still has इतने apple left with him. The number of apples he had, okay, 30% of the apple बेचे हैं उसने, तो 70% अभी भी हैं उसके पास, जिसकी value है 245. तो 7×21, 7×35, 3.5, 350 होंगे उसमें, 100% बताना हो तो 350 आ जाएगा सीधे सीधे, स्टार्टिंग में पूछ रहा नहीं इनिशियली, ठीक। 2cos³ है, दिस ओके, मैंने cos ए कॉमन किया है अंदर, माना 2cos² - 1, 2cos² - 1 होता है cos² लिख देता हूँ, इज इक्वल टू इधर से साइन ए कॉमन किया है और ये अंदर बन जाएगा फिर से 1 - 2sin² फॉर्मूला भी होता है cos² का, ये कट जाएगा, तो cos अपॉन साइन यानी कि cot ए इज इक्वल टू आ गया है 1, ए की वैल्यू 45। A wire is bent to form a square of area इतना, यानी कि 13 हो गई साइड। If the same wire is bent to form circle, then what is the area? Okay, 13 उसकी साइड हो गई, यानी कि 13×52 उसकी परिधि होएगी, या circumference नहीं, उसमें बोल रहा हूँ, ठीक है परिधि, क्या होता है 13×52, तो ये बराबर हो जाएगी 2πr के सर्किल के लिए, एंड यहाँ से हमको रेडियस तक पहुँचना है, सॉरी एरिया तक पहुँचना है, पाई आर स्क्वायर बताना है, आर तो निकालना ही पड़ेगा, आर इज इक्वल टू 52/2π, तो पाई आर स्क्वायर क्या होएगा, पाई गुणे 52/2π इंटू 52×2π, तो से काटा 26,
दो से काटा 26, 5 से 1 पाई कट गया, 26 का स्क्वायर 676 बटे 22 गुणे 7 अप्रॉक्स पूछा है ना, ठीक है। दो से काटा तो 11, दो तीन छः, दो तीन छः दो अट्ठे 16, 338 गुणे 7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 और 56 6 ऐसे लगा 5, 7 21, 21 से 5, 5 7 21 से 5 26, 6 ऐसे लगा 2, 7 21 और 2 23 बटे 11 करना है। बड़ा ऑप्शन से तो कोई मैच कर रहा है, दो है ना ऑप्शन में, ठीक है। 11 दूनी 22, 16 बचा है, 11 का नम 11, 56 बचेगा, 11 बचे 55, 215। इफ एन आइसो, ऐसे कैलकुलेट करो आंसर मैच कर जाए तो बहुत अच्छा लगता है। इफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल द पेरीमीटर इज 30, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि ये बराबर होगा ए ए, फाइंड एरिया अप्रोक्सीमेट रूट 2 की वैल्यू दी है, द पेरीमीटर इज 30। अच्छा मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, मैं इसको वैसे मान लेता हूँ ना, एक एक रूट टू आएगा, तो 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू है 30। रूट 2 की वैल्यू भी दे दी है, तो 3.4142 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30 है। ये क्या कर रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ किया है, नहीं 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 ये नहीं होगा, मतलब इसमें x का मल्टीप्लाई कर लो, 1x एन x मान लिया, हाँ x के अकॉर्डिंग तो ये सही है, 2 प्लस रूट 2 एक्स इज इक्वल टू 30, पेरीमीटर है ना, तो 3.4142 एक्स इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और एरिया बताना है, एरिया क्या होगा 1/2 इंटू हाइट इंटू दिस, एक्स स्क्वायर बाई 2 बताना है, x की वैल्यू है 30 बाई 3.414 एंड हमें एक्स स्क्वायर इंटू में 1/2 भी करना है, तो कोई ना करना ही पड़ेगा, 900 बटे 3.4 अगर मैं उठाऊं, 900 का आधा भी कर दिया मैंने 450, बस है 3.414 का होल स्क्वायर, इसका कुछ करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 450। पेन नहीं चल रहा क्या, कट यार क्या हो गया, पेन चल गया, क्या टाइम वेस्ट होगा, एक मिनट का टाइम वेस्ट होने वाला है मेरा, कब से चल नहीं रहा ये भी मुझे नहीं पता है, बट मैं बोल रहा हूँ तो आई ओके आप समझ मतलब सुन रहे होंगे, आगे आगे आगे, लेकिन दिख नहीं रहा है भाई, ऐसे यहाँ से दिखेगा, आ गया ओके 450। मैं इसको ऐसे कर रहा था 3.41 का होल स्क्वायर कर रहा था, मैं इसको फिर से 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो 2 × 4 प्लस का 2 प्लस का 2√2, 2 × 4√2, 4 × 2 = 6 प्लस 4√2 ये ख़त्म, एंड 6 प्लस 4√2 यहाँ पे मैं 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आखिरी के 2 को हटा रहा हूँ, 14 × 4 = 56, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 5 ये आया, 6 × 5 = 11, 450 बटे 11.656 बस ये सॉल्व करना है, हाँ कितने बार चला जाएगा, 11 × 3 = 33, 3 बार तो आराम से जा रहा, 3 ऑप्शन में भी है, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15 = 16, 3 × 6 = 18 = 19, 9 से लगा 11 × 3 = 33 = 34, अब मैं यहीं पे घटा रहा हूँ यहाँ से सीधे, ऐसे 2 बच रहा है, 9 में 6 = 3, 9 में 9 = 0, 4 में 4 = 0, 4 में 3 = 1, अब तो गड़बड़ हो रहा है कुछ, जैसे यहाँ एक 0 लग जाएगा ना, 100,000 हो गया है, तो 100,000 की 8 बार जाएगा या 9 बार, 11 × 9 = 99 तो नहीं जाएगा, 8 बार जा सकता है, 8 × 6 = 48, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 × 6 = 48, यहाँ से लगेगा 4, 11 × 8 = 88, 88 × 4 = 92, 38 बार जा रहा है, तो ये लगा रहा हूँ, कैलकुलेशन था इसमें। व्हाट इज द परसेंटेज स्टूडेंट हु पास द टेस्ट द फॉलोइंग स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट 30 मार्क्स, स्टूडेंट हैज स्कोर अ मिनिमम 10 मार्क्स टू पास, 10 मार्क्स ये वाले बच्चे हैं, और ये पर्सन स्टूडेंट हु पास द टेस्ट, 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20 और 10, 30 बच्चों ने पास किया, ठीक है 30 बच्चों ने पास किया कितनों में, 40 में, 75% कहते हैं 3/4 को,
थोड़ा तेजी करते, थोड़ा सा पीछे हो गया हूँ उसके कैलकुलेशन की वजह से, पक्का दिक्कत आई होगी लोगों को इसमें, वॉट पता नहीं मेरा भी सही होगा कि नहीं। ओके इसको सॉल्व करते हैं, 1/4 को मैंने पलटा दिया है, 4 4/2 2, पहला टर्म 2 हो गया माइनस का, ये सब इंटू में 2 से ही काटा तो 2 2/3 आएगा। जितना आप इसको सामने देख देख के सॉल्व कर लेंगे ना, कम से कम लिखेंगे तो टाइम बचेगा। ऑफ लगा है, ऑफ लिख देता हूँ, 2/3 4/3, 4/3 को मैंने पलटाया, 3 से 3 कट जाएगा, 2/4 1/2 दस का 1/2, ये तो 1 हो गया, एंड 3 6 6 में तो हो गया 2, 3 6 6 में तो हो गया 4/3 ऑफ 1, 4/3 आंसर है। 45 पीपल कैन रिपेयर अ रोड इन 10 डेज वर्किंग 6 आवर्स अ डे, 45 पीपल 10 डेज 6 आवर्स अ डे, इन हाउ मेनी डेज 30 पीपल 6 आवर्स अ डे कंप्लीट द सेम वर्क, कितने दिन में ना, सीधे सीधे कर दिया, 6 से 6 कट गया, 0 से 0 कट गया, 15 3 45 आ गया। अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स बी ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 इतने लेटर बाद, एंड द कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 एंड रीचेस 2.5 आवर बिफोर द फर्स्ट कार, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा चलो तो बाद में हो पाएगा, एच सी एफ है इतना इतना एक्स, सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स का एच सी एफ निकालना पड़ेगा। ओके निकालने में तो बहुत टाइम लगेगा। If the radius of a cylinder is decreased by 20%, the height increased by 20%, volume will be decreased by, if the radius of a cylinder decreased by 20%, 1/5, 5 से 4 हो गई, height increased by 20%, 5 से 6 हो गई, new cylinder then the volume will be decreased by 25, क्योंकि radius का square होता है, 4 चौको 16, multiply कर दें, 25 पंजे 125, 16 छक्का 96, कितना घट गया, 100 से मर्ज कर रहा हूँ, 25 और 4 29 कम हो गया, कितने में, 125 में, थोड़े 100, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 29 चौक 29 यहाँ तो पता 87 होता है, 4 9 36, 4 2 8 11, 116/5, 5 2 10, 16 5 3 15, 23.2। जब क्लियर होता है ना एक बार में आंसर आता भी है, ये वाला बाद में देखेंगे, 22 मिनट बचे हैं, ओहो हो कहीं ये स्क्वायर बनना होगा किसी का, 6 8 8 64 80 का, ठीक है 85 का कितना होगा, 9 8 72, 85 से कम 80 से ज़्यादा, और अगर मैं इसमें 2 घटाता हूँ ना तो 889, 83 का होने के चांसेस है, 83 का होने के चांसेस है, यहाँ पे 25 लीटर काम करती है बट वो 75 तक लागू है, बट मैं इसको 100 से उल्टा निकाल सकता हूँ, और उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई करना प्रेफर करूँगा, 3 3 9 8 8 64, 3 8 24 2 48, 8 9 8 9 6 8 8 9, देखा इसका हो गया, कैसे निकाला पता है ना, क्योंकि 7 में 2 जोड़ेंगे 9 बनेगा, 80 से 85 के बीच में स्क्वायर होगा ये पता कर लिया, 8 8 64 100, 85 का निकालना है तो 8 × 9 9 8 72 25 आएगा, तो इसके बीच में मर्ज करेगा, आखिरी डिजिट 9 लाना है तो 3 ही होना चाहिए, 83 ऐसा निकाला है, तो 6 8 8 9, तो नीचे चले गए हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गए हम 83 में, 83 एक सेकेंड, ये मैं प्लस 2 कर रहा हूँ, और प्लस 2 करते हैं जब माइनस में जाना होता है, तो यानी कि यहाँ पे ये माइनस का आएगा, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो इसकी पावर 4 प्लस 1 अपॉन की पावर 4 माइनस का 2, 2 रह जाके प्लस हो गया, हाँ ठीक है ये माइनस का ही आएगा, और 2 घटा देंगे तो और दिक्कत हो जाएगी, नहीं यार 2 घटाया ही तो होगा, हाँ 2 घटाया होगा, सही है सही है, 2 जोड़ेंगे बट 85 में दिक्कत आएगी, तो मैंने घटा दिया होगा ना फाइनल आंसर, 2 मैंने जोड़ दिया है देन वापस से पहुंच गए, लेकिन अगर मैं इसका निकालूंगा तो इसमें माइनस 2 करना पड़ेगा, ठीक है ये ठीक है, फिर से एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है, 83 में 2 घटाऊंगा कि जोड़ूंगा, 9
घटाऊंगा ही जोड़ूंगा ही x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस का और 81 9 आना चाहिए आई थिंक। टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। वॉट इज द एरिया ऑफ दिस इफ आई कैलकुलेट ट्रायंगल फील्ड साइड इतना मीटर स्क्वायर में बताना है अप टू 1 डेसीमीटर रूट 3/4 8.5 × 8.5। ओ भाई साहब कितना ज़्यादा इन्होंने वो दिया है। 9 × 72 अभी निकाला था 72.25 डिवाइड बाई 4 कर दो 18 × 4 72 18 × 4 = 24 4 × 8 = 18.625 18.625 एंड रूट 3 मल्टीप्लाई में रहेगा तो पहला वाला ऑप्शन 8.6 हमें चाहिए यार। अच्छा 18 × 72 तो ठीक है बट 0.065 आएगा 0.065 होगा तो ये वाला आंसर होगा। कैलकुलेटिव है चल रहा होती जैसे कैलकुलेशन मेरे दिमाग पका दिया। द साइड बी सी इज प्रोड्यूस टू डी द डिवाइस सेक्टर ए बी सी एंड इसी मीटर ई इफ ए बी ए बी सी बी और सी से निकाला गया है। द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी एंड ए सी डी ये ई पे मिल रहा है ए बी बराबर ए सी है बी ई सी 24 है। देन द मेजर ऑफ ए बी सी ए बी सी ये वाला एंगल बताना है। एंगल बाई सेक्टर्स है ना ये तो ये एंगल बराबर होगा ये वाला क्वेश्चन था अभी दिमाग लगाने वाला नहीं है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा बी एंगल ये है ये एंगल भी बी है मिला के अल्फा प्लस बी प्लस थीटा प्लस 24 इज इक्वल टू 180। अल्फा को मैं लिख सकता हूँ बीटा बाई 2 ये हो जाएगा 3b/2 प्लस का थीटा इज इक्वल टू 180 में से 24 चला जाएगा 136 56 56। ठीक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कुल मिला के बी प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू है 180 तो कुल मिला के मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस का बी बाई 2 थीटा की जगह रख दिया 3b/2 प्लस का 90 माइनस का बी बाई 2 इज इक्वल टू 156 ये घटा देंगे तो 2b/2 बी आ जाएगा तो बी इज इक्वल टू 156 माइनस का 90 9 × 6 = 15 66 आ गया कुल मिला के बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है और मेटेलिक सॉलिड्स तो सारे देख भी नहीं पाया हूँ। बॉल रेडियस 3 मेल्टेड रीकास्ट इनटू 3 स्फीयर द रेडियस ऑफ 2 दिस दो इतना व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ थर्ड बॉल 3 का क्यूब 27 इज इक्वल टू स्फीयर बनाया है ना 2 × 4 × 8 प्लस का 1.5 का क्यूब 2 ऑफ दीस बॉल्स आर 15 है ना अभी याद नहीं आ रहा 15 × 5 = 75 15 × 7 = 37 15 × 3 = 37 35 × 75 याद आ गया पॉइंट दिस 8 × 3 = 11 11.375 5 × 9 = 7 9 × 3 = 6 6 × 1 = 5 15 × 625 25 का होता है 25 का होता है व्हाट इज द सरफेस एरिया पूछ रहा है यार ये 25 का क्यूब होता है तो आएगा 2.5 आखिरी वाले की रेडियस और हमें बताना है सरफेस एरिया ऑफ द थर्ड बॉल सरफेस एरिया बोले तो 4π r² बोले तो 25 का स्क्वायर 6.25 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 25 × 6 = 150 4 × 6 = 24 और 25 π आ जाएगा सही आंसर है। भाई साहब इन विच टू ग्रेड टेकन टुगेदर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट 54 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेड बी एंड ई टुगेदर बी और ई को टुगेदर कर दो पहले ये रहा बी एंड ई है खाली वाला 8 × 7 = 35% 35% किसका 1800 का 35% 1800 का ये दियो खत्म 18 × 5 = 90 0 9 18 3
अठारह चौवन, चौवन और नौ, नौ चार तेरह, 63, 630, इससे 54 कम कर दें, 6 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा 7, 576, किसका सम टुगेदर करके करना है, 576, 576 1800 का कितना परसेंट है उससे भी हो जाता है, बट एक अप्रॉक्स अगर बताएं तो 35% निकाला तो 630 आया था, तो 35 से कम होना चाहिए, करीब 30 के आसपास, या मैं 18 का डिवाइड भी करूँ तो भी आ जाएगा, 18 तीन चौवन, 4 तीन सात, 36, 18 36, 32%, किसका सम 32% है, सी और ई, सी है 24, ई है 8 चार 12, यही खत्म हो गया, सी और ई से 24 और 8 32, 32% ही हमें आंसर चाहिए। 14 मिनट बचे हैं, रीजनिंग भी काफ़ी बचा है, इंग्लिश में एक बचा वो तो करूँगा मैंने इंग्लिश। द रेशियो ऑफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस, इफ द वॉल्यूम ऑफ दिस, व्हाट इज द स्लैंट हाइट, वॉल्यूम दिया, चलो कोन का है ना तो 1/3, 22/7, बहुत कैलकुलेटिव है आज, 22/7 हो सकता है, मैं ऐसे जा रहा हूँ धीरे धीरे में तो हो सकता है गड़बड़ कर रहा हूँ, 6x × 5x/2 क्योंकि डायमीटर है इसका होल स्क्वायर, 22 से ये ख़त्म, 100 आ गया, 7 से 7 ख़त्म, 3 से ये ख़त्म, ठीक, तो 100 = 2x³ × 25 × 2/4, ये कटा 2, 25 × 100, 4 × 8, एक्स क्यूब आ गया 8, तो एक्स की वैल्यू हो गई 2, प्लांट हाइट बतानी है अब तो आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 × 12 = 2×5 = 10, रेडियस होगी 5, ये 12 है ये 5 है, ट्रिपलेट क्या बनेगा 13 वाला, प्लांट हाइट 13। डी इज अ मिड पॉइंट ट्रायंगल एबीसी, आज एकदम सच में मेरा दिमाग वैसा वाला काम कर रहा है, बहुत पेपर करता आखिरी समय में, तेज करना होता है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ऐसे कभी भी क्वेश्चन मतलब लेंदी आ सकते हैं, ज़्यादातर रूट टू रूट थ्री ऐसे चल रहा है आज। एफ इज अ पॉइंट ऑन ए बी, ए बी सच दैट सी एफ इज बाइसेक्ट ए बी डी, बी डी तो बाइसेक्ट कर रहा है भाई भाई, और लो ए एफ बराबर 18, ये 18 है, देन लेंथ ऑफ बी एफ, एक्स पता नहीं है, ये बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि ये मिड पॉइंट तो हुआ नहीं, हाँ ये मिड पॉइंट हुआ ए, कैसे चलाना ये नहीं चलना मेरे को, यानी कि ये भी बराबर ही तो होएगा, बराबर नहीं मतलब सेम रेशियो में बांटेगा बट कैसे, बट पैरेलल नहीं है ना ये, डी भी मिड पॉइंट है, तो कुछ होता था यार, छोड़ो छोड़ो अभी तो नहीं हो पाएगा, 12 मिनट बचे हैं रीजनिंग के, कितने ज्यादा क्वेश्चन बचे हैं, फिर से स्टार्ट करता हूँ। द सेकेंड नंबर इज गिवन द एक्सेप्ट वन, फाइंड द ऑड नंबर बताना है, ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, 33 3 99 प्लस का 11, 38 3 करें क्या, 3 8 24, 4 3 4 12 तो 14, और प्लस में 21 किया गया है, 54 3 3 4 12, 3 5 15 और 1 16 और 18 जोड़ा गया है, 18 तब जोड़ा गया जब उसको 3 से डिवाइड भी किया गया है, ठीक है, ये भी 3 3 9 3 9 27 और 93 को 3 से डिवाइड करो तो 31 आएगा, 9 1 7 3 10 11, ठीक है, ये अलग अलग 48 वाला, मैं देखो तेज चल रहा हूँ थोड़ा सा, 18 29 42, 18 29 11 जोड़ा गया है, 29 में 13 जोड़ा गया है, 42 59 7 2 9 17 जोड़ा गया है, देन 9 9 18 19 जोड़ा गया है, ऑड नंबर दिख रहे हैं, अब शायद 23 होना चाहिए, 23 है, अब शायद 29, 101, 9 1 10 130, प्राइम नंबर थे मतलब, जल्दी देखो भाई, ये यहाँ पे है, ये ऊपर चला गया पलट के, देन इधर चला गया बिना घूमे, देन इधर आ गया, देन सीधे इधर आ गया, अब तक इसको घुमाया है यहाँ पे, ये ऐसे चला गया है, ये एज इट इज़ आया है, ये एज इट इज़ आया है, एक को घुमाया गया केवल, ठीक है, यहाँ से फिर ये गया फिर पलट गया है, बाकी किसी को कुछ भी छेड़ा नहीं गया, यहाँ से जो ऊपर जाता है वही पलट जाता है, यानी कि ये ऐसे ही आएगा इस कॉर्नर में, ये ठीक है ये गलत है, ये ठीक है ये गलत है, तो पहला तीसरे में होगा, एफ में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, और ये घूम जाएगा, ये फिर से घूम जाएगा, ऐसा बनाएगा, ठीक है, अलग होगा, एच डी
ओवी भाई जे तो पकड़ लिया था कि जे ही आएगा, एंड देन उसके बाद काफी लंबा लंबा गैप मार रहा है, तो देखते हैं। डी डी होता है 4 4 18 4 22 18, देन अगेन 18 जोड़ेंगे तो 14 आएगा कि नहीं आएगा, आता तो है 26 14 30 40 पे चला जाएगा ना, 22 18 40 होता है, तो गैप करेंगे 26 14 वाला, ठीक है। देन अगेन 14 में मैं 18 जोड़ूँ, 8 4 12 32 और 26 6 32 एफ ही आएगा, एफ आएगा, एफ होता है 6, 8 6 14 24 24 बोले तो एक्स आएगा, यानी कि सेकेंड लेटर एक्स होगा, दो खत्म मतलब दो बचे हैं। थर्ड वाला 13 13 में कितना जोड़ गया, 9 3 12 9, 22 में फिर से 9 2 11 31, डी होता है 30 पे तो ई आएगा 31, ठीक है। 9 5 14 14 फिर से एन आ रहा है, 9 4 13 23, यानी कि डब्ल्यू आएगा, ये वाला ऑप्शन लंबा लंबा जोड़ रहा है बस सीधे सीधे। मेरा क्वेश्चन जैसे होने के चांसेस तो है, पहला पहला ही लगा रहा हूँ, यहाँ पे अगर 24 आ जाए और इन टू जगह डिवाइड आ जाए तो काट तो रहा है नंबर, तो 12 2 24 यहाँ रखता हूँ, तो रख दिया 48 यहाँ आ चुका है, यहाँ इन टू है 16 × 48 16 4 64 बहुत बड़ा नंबर जाएगा, ये नहीं करूँगा मैं। 24 × 16 दीदी का फोन, इसको मैं पलट दूँ और डिवाइड को यहाँ कर दूँ माइनस की जगह, एंड 24/96 नहीं ये भी नहीं आएगा, 12 × 16 यहाँ 12 आ जाए एंड 16 यहाँ आ जाए, और इन टू जगह ये होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, 16 यहाँ 48 को काटेगा, यहाँ इन टू जगह डिवाइड आ रहा है, 16 3 48 प्लस का फिर से वो नहीं चल रहा यार, ये टाइम कंज्यूम कर देता है, यही दिक्कत है थोड़ी सी यार, एक बार में ले लो ना भैया, ठीक है ले लो भैया, 8 मिनट बचे हैं, पता नहीं कब से नहीं दिखा रहा था, आई होप कि आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ उस पर प्रेफर कर रहे हो, जो बोल रहा हूँ उस पर देखो तो ज़्यादा सही रहेगा। पता नहीं 16 3 48 मिला के 16 को यहाँ रख रहा हूँ ना, 48 को काटने वाला है, प्लस का 3 यहाँ आ गया, 12 इंटू नहीं 16 की जगह 12, तो 24 × 12 माइनस का 96 प्लस का 48, तो ये होने के चांसेस तो है, प्लस का 51 हो गया, 12 4 48 12 2 24 24 और 4 4 8 2 8 8 96 घटा दूँ, 8 में से 6 गया 2 28 में से 9 9 9 192 प्लस का 51 नहीं आया यार, 48 और 12 को पट्टी मारें और इन टू जगह प्लस कर दें, बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा यार, होने के चांसेस तो यही वाला था यार, इन टू कहाँ गया, इन टू यही है, 12 4 48 8 लगा 4 2 24 4 28 96 भी ठीक घटाया है, प्लस में 48 ही है, अच्छा 48 तो कट गया था ना भाई, प्लस में 3 आएगा 195 भाई का, यही सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा था, 6 मिनट थोड़ा फास्ट, चलो 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 चलो, टी आर आई आई का 9 दिख रहा है, ओके कुछ तो दिखा रहा है, देखो 9 32 36 आर का 18 होता है, 18 का करीब 36 दिख रहा है, 16 P 16 होता है, 16 3 32 दिख रहा है, आई का 9 दिख रहा है, एजम्पशन है जस्ट ये, वी का 22 2 44 ए का 1 टी का होता है 20 2 40 ई का 5, पर थोड़ा सा इन्होंने सीक्वेंस चेंज किया बस उसको देखना है, आई सबसे पहले आई का आ रहा तो सबसे पहले ओ का आना चाहिए, बट ओ का तो नहीं है, एच का आ रहा है 8 2 16 आ ओके, आई पी आर एंड वी को सेम रखा है, एन ए टी ई को किया होगा इन्होंने, ए ई टी मतलब ये बीच वाला सेम रखो बाकी अल्फाबेटिकली कर दो, लाइक इसमें आएगा एच एस ओ एच ओ एस आएगा, हाँ ठीक है, इसमें यू को सेम रखते हैं, सबसे पहले आएगा ई देन एफ देन आर देन यू, ई का आ जाएगा 5, एफ का आएगा 6 2 12 सिंगल डिजिट को नहीं, हाँ खाली वॉवल को नहीं छेड़ना है, 18 2 36 तो 5 12 36 कहीं है, 5 12 36 इसी ऑप्शन में है, एंड यू का 21 रहेगा, देन ए आएगा, ए का 1 आ गया है, एल का 12 2 24 19 2 38 5 मिनट है अभी, 28 5 5 2 10 22 5 110 110 प्लस का 17 28 5 जगह कहें तो 5 8 40 0 जगह 5 4 5 10 14 140 प्लस में 23 हाँ 22 में 5 कम किया वो जोड़ दिया गया, 28 में 5 कम किया वो जोड़ दिया, 27 5 तो बहुत ज़्यादा नंबर है, 16 5 80 प्लस का 11 16 में 5 कम किया है, ठीक है यार एलिमिनेट।
अरे मैथ है, ये बहुत बच्चे हैं यार, चलो थोड़े से मैथ में काफी बच्चे। ओ हो, आ तो छूटने वाला है। 5 मिनट हैं, 3 3 6 7 क्वेश्चंस बचे हैं, फिर भी ट्राई करूंगा पास करने का। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग इन 2020 एज कम्पेयर टू 2019। इंजीनियरिंग का बताना है, इसमें कितने थे इंजीनियरिंग में, 12%, इसमें कितने हैं, 13%, घटे हैं कुछ नंबर तो, क्या सेम है? यहाँ पे थे 2000, तो 13 दूनी 26, 260 बच्चे थे, और यहाँ पे 12%, 2400 का 12% बताना है, तो 12 4 48, 24 24 4 88, कितने बच्चे बढ़ गए, 18 बच्चे, नहीं 6 2 8 28 बच्चे, कितने में, 260 में, 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 280 का आधा 140, 26 का आधा 13, तो 11 समथिंग, 13 13 13, 10 बचेगा, 0 लगाऊंगा, 100 तो आएगा, 13 7 91, 10.7 समथिंग। अ शॉपिंग बट टू कंप्यूटर प्रिंटर डिफरेंट कंपनीज, इतना बाय सेलिंग वन प्रिंटर एट गेन 20%, अदर प्रिंटर लॉस 20%, ही फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रिंटर इज द सेम, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट। ओके, 20% के प्रॉफिट पे बेचा है 100 से 120, 10% के लॉस पे बेचा है 100 से 90, एंड ही फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रिंटर। सेलिंग प्राइस को सेम करना है, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो छोटा रखता तो ज़्यादा सही रहता है यार। ये 10 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 6 है, तो 9 और 6 को बराबर करना है, 36 बना देता हूँ, 6 5 36, 6 5 30, 6 6 36, 9 4 36 40, 9 4 36। ही फाइंड द टेल सेलिंग, ओके, अभी बॉट टू कंप्यूटर प्रिंटर डिफरेंट कंपनीज फॉर, इतना प्रॉफिट बताना है, 36 2 72, 70, 70 की वैल्यू है इतनी, ये कटा 15 7 105, 15 का मल्टीप्लाई करना है 72 में, तो 15 2 30, 15 7 105, 108, 108 नहीं है, 10,500, 70 की वैल्यू है 10,500, 100 जा गया, 7 1 9 7, 35 7 35, 150 नेट प्रॉफिट, 2 की वैल्यू बताओ यार, 15 30, 300 का प्रॉफिट। एडिडास सेल्स एन आर्टिकल बाय अलाउइंग 20% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस एंड गेन्स 25%, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 10%, हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड बी अलाउड नाउ ऑन द सेम मार्केट प्राइस सो एज टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर, बाय एडिडास सेल आर्टिकल बाय अलाउइंग 20% डिस्काउंट मार्केट प्राइस एंड गेन्स 25%, 20% का डिस्काउंट दिया था, 5 से 4 4 की वैल्यू दिस, 25%, 4 से 5, 4 4 16, 4 5 20, 5 5 25, ये सब आ गया, 10% इंक्रीज करना है, हाउ मच डिस्काउंट परसेंट शुड बी अलाउ नाउ ऑन द सेम मार्केट प्राइस, 10 पाएगा। कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स बी ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, उतने लेटर बाद इतनी स्पीड से चल रहा है, 3/2 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा, 10 30 30 किलोमीटर तय कर लेगा, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर एंड रीचेस 2.5 घंटे बिफोर द फर्स्ट कार, ढाई घंटे बिफोर द फर्स्ट कार, फाइनल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अर्ली लगाना पड़ेगा, ऑप्शन के थ्रू जाऊँ, हाँ लेंदी क्वेश्चन तो था, एस सी एफ अब करने का मन भी नहीं कर रहा, 1 मिनट देख के यार, अच्छा था ये पेपर, मैथ को लेके 5 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ यार, पहली बार बहुत टाइम बाद छूट जाएंगे। द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट ग्रुप 58 kg, इफ 8 स्टूडेंट एवरेज वेट 54 किलो में लीव द ग्रुप, 3 स्टूडेंट वेइंग इतना इतना इतना, देन द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इन द ग्रुप विल इंक्रीज बाय 575 ग्राम, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली इन द ग्रुप इज, अभी नहीं कर पाऊंगा यार, अब मैं नहीं कर पाऊंगा यार, अच्छा नहीं लग रहा, इसी में दिमाग लगा लेता हूँ, बहुत बुरा लग रहा है वैसे, मैं तो 5 क्वेश्चन ना कर पाना, लेंदी था ये कुछ, रूट थ्री के चक्कर में टाइम वेस्ट कर दिया बहुत, 12 14 143, मैं 246 के पास पहुँचा था ना, ये गिरा लगा रहा हूँ, अप्रॉक्स था, गलत होने के चांसेस हैं, 5 क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा, सबमिट करता हूँ,
बाद में करूंगा। 5 क्वेश्चन मैथ में, इंग्लिश में 1 क्वेश्चन, 5 5 10 11 89 अटेम्प्ट, बड़े दिनों के बाद 90 से कम है मेरे अटेम्प्ट। आज स्कोर तो गिरेगा ही, तो अब तो गिरेगा है, जिस जो मेरी वो पोट्र है उसमें मैं नहीं कर पाया अच्छा परफॉर्म। ओके तो इसका एक तो टेस्ट बुक खाली एक दिन के लिए खोलता है यार, जब जैसे कल खुलेगा 10 तारीख को, बस 11 तारीख तक देख सकते हैं, उसका देखने नहीं देता हूँ, वो वाला क्वेश्चन देखने हैं आपके, मैं टाइम ही नहीं दे पाया हूँ उन क्वेश्चन में। तो जो भी स्कोर है आपका वो कमेंट करके बताइएगा। 143 आपके सामने है, इनकरेक्ट 14, जीके में हुए आएंगे, बाकी तो देखना पड़ेगा जब आएगा, बट 89 अटेम्प्ट एक्यूरेसी 80%, काफ़ी एक्यूरेसी गिर गई, अटेम्प्ट कम होते हैं तो एक्यूरेसी थोड़ी सी गिर जाती है उसी के अकॉर्डिंग। तो जो भी स्कोर है आप कमेंट करके बताइएगा। मॉक तो ये अच्छा था, खासतौर से मैथ के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ओके तो जो भी स्कोर है आप कमेंट करके बताइएगा, एंड कैसा रिव्यू रहा इस मॉक का, लेवल अच्छा था कि नहीं आप कमेंट करके वही बता सकते हैं, एंड फुल टेस्ट जब देंगे तो देंगे। एंड जो रहा मेंस के लेवल का जो मॉक रहता है, जब CHSL का कोई प्लेटफॉर्म कराता है तो मैं वो अटेम्प्ट करना प्रेफर करूंगा, एंड दूसरा टेस्ट बुक दे रहा है तो मैं उसको अगर करूंगा अभी तो वीकेंड में कर पाऊंगा, क्योंकि मैं डेली डेली बेसिस पे 2 घंटा उसमें नहीं दे सकता हूँ ना, तो उसको मैं वीकडेज में ट्राई करूंगा, अभी नहीं कुछ टाइम बाद। तो अभी तब तक का प्री लेवल का ही चलते हैं, प्री लेवल से प्रैक्टिस तो बनती रहती है ना, तो उसको करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।